हम तो पटना की जनता की लड़ाई लड़ने आए, हम तो उसके अधिकार में। सुशील मोदी बर्खास्त कर, इस्तीफा दे, ये और ये खाली भर दिन शराब शराबी करेंगे। इनको फोबिया हो गया है शराब शराब, इनको लगता है कि शराबे पर चुनाव जीत जाएंगे, फोबिया हो गया। सर प्रशासन आगे बढ़ने देगी तो फिर क्या करेंगे? मैं हूँ वसीम खान, जन क्रांति मार्च जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, सरकार से सवाल पूछने के लिए शांतिपूर्वक राज मार्च करने निकले। अब तमाम जन अधिकार पार्टी के समर्थक सड़कों पर ही बैठ गए। आखिर क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी यहीं पर है और शांतिपूर्वक सभी कोई बैठ गए, इनसे जुड़ेंगे। आखिर बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं पप्पू यादव की शांतिपूर्वक बैठ जाए, कोई भी हुड़दंग नहीं करे, और लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं सभी समर्थकों से कि आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ जाए, प्रशासन को अपना काम करने दे। और हम पप्पू यादव से जुड़ेंगे और बात करेंगे। पप्पू यादव जी, आखिर क्या हुआ कि आपका काफिला रुक गया और आप सड़कों पर बैठ गए? ये इनसे ना पूछिएगा क्यों रुक गया, हम तो अपनी आवाज देने आए, हम तो पटना की जनता की लड़ाई लड़ने आए, हम तो उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने आए, हम तो जो डुबोया उसके खिलाफ हम इंक्वायरी चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, हम चाहते हैं मुआवजा मिले, हम चाहते हैं झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना बंद करें, गरीबों पर जुल्म करना बंद करें, हम चाहते हैं सुशील मोदी बर्खास्त कर, इस्तीफा दे। और अभी भी अतिक्रमण के नाम पर कई जगह झुग्गी झोपड़ी को हटाया, बिल्कुल वो आतंक है, आतंक। इन लोगों को कुछ नहीं आता, खाली शराब ये सब चीजें आता और कुछ नहीं आता, ये और ये खाली भर दिन शराब शराबी करेंगे। इनको फोबिया हो गया है शराब शराब, इनको लगता है कि शराबे पर चुनाव जीत जाएंगे, फोबिया हो गया। सर प्रशासन आगे बढ़ने देगी तो फिर क्या करेंगे? प्रशासन नहीं बढ़ने देगी तो रुकेंगे, लाठी गोली खाएंगे, यहीं जेल तो कहना, जेल ले चलिए, हम तो जेल जाने को सब लोग तैयार हैं, यहीं पर डटे रहेंगे। चलिए, पप्पू यादव ने तो साफ कर दिया है कि हम शांतिपूर्वक निकले थे और सरकार से सवाल पूछने निकले थे, अगर प्रशासन आगे जाने नहीं देगी तो यहीं पर शांतिपूर्वक बैठेंगे। जो कार्रवाई करना होगा प्रशासन को, वो अपने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, पर अब देखना यह है कि क्या जन अधिकार पार्टी का जो ये जन सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा, अपने सहयोगी को बोलेंगे कि यहाँ से दृश्य दिखाए, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और उनका झंडा, और जो तख्ते लिए हुए जन अधिकार पार्टी के लोग हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से पूरा पटना हुआ, चार दिन के बारिश में पानी का पानी हो गया, और ये तमाम जो लोग हैं, जो पटना के कई स्थानीय लोग भी इस मार्च में शामिल है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो गया कि स्मार्ट सिटी की बात होती है, मेट्रो की बात होती है, वहीं मात्र चार दिन में पूरा का पूरा पटना पानी का पानी क्यों हो गया? जहां पर बात होती है सुशासन बाबू की, वहां पर आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ने लगी? ये तमाम चीजों को लेकर जब ये आगे बढ़े हैं तो आप देख सकते हैं एक जनसैलाब आपको दिखेगा, जिस ओर हमारे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे बस एक ही चीज दिखाई देगा, जन अधिकार पार्टी का झंडा, सवालों का बैनर और तख्ते लिए हुए जो लोग खड़े हैं वो। अब देखना यह है कि क्या सरकार इनके सवालों को सुनेगी, क्या सरकार ये चेष्टा करेगी इन जो सवाल ये लेकर चले हैं उनका जवाब देने का। ये भी अहम पहलू होगी कि जहां पर बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो वहाँ चार दिन के बारिश में वो कैसा बाहर था जिसमें तमाम जो राजनेता थे वो चुप्पी साध गए, तमाम राजनेता पीछे हट गए और एक ही शख्स आगे आया और अभी भी वो लड़ रहा है और सवाल पूछ रहा है। देखना यह है कि सवाल का जवाब मिलता है या नहीं। दैनिक न्यूज़ तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेगा, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि तमाम अपडेट हम आप तक तुरंत पहुंचा सके। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं वसीम खान, दैनिक न्यूज़।